जय हिंद दोस्तों, मैं आर्मी रिटायर्ड हवलदार शिवरतन सिंह, लक्की डिफेंस एकेडमी का फिजिकल इंस्ट्रक्टर। तो आज हम बात करेंगे हस्त मैथुन, यानी जो बंदे हस्त मैथुन करते हैं, किसी को स्वप्न दोष हो जाता है जिसको नाइटफॉल बोलते हैं, तो उससे क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं, उसी विषय के ऊपर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। अभी तक जिस भाई ने मेरे चैनल लक्की डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना। जो बगल में बेल आइकन घंटा है, घंटे को दबा लेना, जिससे मेरे नए वीडियो आपके पास पहुँचे। तो चलो शुरू करते हैं। अभी कई बंदों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हस्त मैथुन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इसके क्या कारण है, उसी के ऊपर बात करेंगे। जो कई बंदों को मतलब क्या एक हैबिट सी हो जाती है, या कई तो ऐसे मतलब हो जाता है जो उनको डेली करना ही करना है। मेरे पास कई फ़ोन कॉल आए, बोला सर मेरे को डेली हैबिट हो गई है कि डेली, लेकिन डेली बहुत कमज़ोरी होती है इससे। और ख़ासकर जो आर्मी की, बीएसएफ की, सीआरपीएफ की या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये स्टेमिना नहीं बढ़ने देगा। आपका जो बोलते हैं ना, मेरी सांस फूल जाती है, मेरे सर घुटने दर्द करने लग जाते हैं, ये भी एक कारण है इसके अंदर का। आपको रनिंग में थोड़ी सी दौड़, थोड़ी दूर दौड़ोगे तो आपको थकान महसूस होगी, आपकी सांस भरेगी, आपके घुटने दर्द करेंगे, ये हस्त मैथुन से होता है। तो इस चीज़ को आप अपने गांठ मान ली। ये नहीं बोला कि नहीं करना है, उसका भी मैं बताऊंगा भाई महीने में कितना करना है कितना नहीं करना है, उसी बात करेंगे। लेकिन जो ज़्यादा करते हैं, डेली करते हैं या एक एक दो दो दिन छोड़ के करते हैं, तो उसके लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और ख़ासकर जो आर्मी की, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस की जो तैयारी करा, खासकर रनिंग की और फिजिकल की तैयारी करा, आपको पता होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी जो शेड्यूल बनाया वो शेड्यूल देखना आपने, मेरे बंदे उस हिसाब से मेहनत करते हैं। तो मेहनत करते हैं तो उनको सोचने का समझने का टाइम ही नहीं मिलता, एक्सरसाइज करके आते हैं और सो जाते हैं, शाम को फिर उनका टाइम हो जाता है, फिर उनको दौड़ा के लेता हूँ, फिर रात को खाना खाया, फिर सो जाते हैं, तो इतना टाइम ही नहीं मिलता उनको। तो इसके ऊपर जिसको मेरे भाई को ज़्यादा हैबिट है, जिसको ज़्यादा ये लत लगी हुई है, जो गलत लत लगी हुई है, उसके लिए मैं बोलूँगा आप योगा करिए। योगा करने से क्या होगा, आपका माइंड शांत रहेगा। उसमें आप जो एक ओम का उच्चारण करते हैं वो है अनुलोम विलोम, में ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता रखा है। इस टाइप के आप योगा करें जिससे आपका माइंड बिल्कुल शांत माइंड होगा। आपके ऐसे कभी विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं, तो आप योगा करिए। योगा से आप मानोगे नहीं, बहुत ही मतलब ऐसे दिमाग और पूरा शरीर एकदम शांत रह जाता है। और बाकी दूसरी एक बात और बताना चाहूँगा कि आप जो पोर्न पिक्चरें देखते हो, अश्लील फोटोएँ देखते हो और जो ऐसे कुछ गाने बनाए हुए हैं, तो उनके देखने से क्या होता है, हमारी मानसिकता इस प्रकार की हो जाती है। तो इन चीज़ों से देखना, लेकिन दूर रहिए, उनको ज़्यादा दिमाग में नहीं बैठाना है, समझ गए। ये नहीं बोला कि भाई आप गाने नहीं देखो, ये नहीं देखो, गाने वगैरह देखो, लेकिन उसको दिमाग में नहीं बैठाना, कोई ऐसी छाप नहीं छोड़ देना भाई बस मैं ये करना है, करना लेकिन अच्छा करना, कुछ गलत हैबिट को उसको दूर करना आपको। तो हस्त मैथुन जो भाई मेरा कर रहा है वो ज़्यादा नहीं करें, कई तो डेली डेली वाले हैं, तो भाई नहीं करें, इससे तो आपको कमज़ोरी आएगी आएगी आपको। और अच्छी डाइट लें, अच्छा खाना खाएं। अभी हम बात करेंगे एक महीने में कितना, भाई दुनिया चाहे डॉक्टर बोले कि सप्ताह में दो दिन करो, तीन दिन करो, कई बोलते हैं कि सप्ताह में दो दिन, कोई बोलता है एक दिन, मेरा हिसाब है कि महीने में कम से कम दो या तीन बार, एक महीने के अंदर आप तीन बार हस्त मैथुन कर सकते हो। यदि आपको स्वप्न दोष हो गया, यानी नाइट फॉल हो गया, तो आपको नहीं करना है। यदि नाइट फॉल नहीं हुआ है तो आप महीने में दो से तीन बार कर सकते हो। ये नहीं बोला है गलत चीज़ है, इससे क्या होता है आपका, नहीं तो फिर नहीं करोगे तो क्या होगा, दिमाग में वही चीज़ चलती रहती है आपकी, वो मानसिकता वहीं दौड़ती रहती है, तो बंदे को दूसरे चीज़ों में काम मतलब काम करने में दिल नहीं लगता इस चीज़ का। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, महीने में दो से तीन बार, ज़्यादा इससे नहीं करना मेरे भाई। जो आप आर्मी की या फौज की किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आपको स्टेमिना बना के भी रखनी है उसके अंदर। आपको सुबह रनिंग भी करनी है, 5-5 किलोमीटर रनिंग करनी है, 1600 मीटर टाइमिंग लेना है, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दौड़ना, तो स्टेमिना बचा के रखनी पड़ेगी अपने अंदर। तो उसके लिए ये डेली आप ना करें तो आपके लिए ये फ़ायदा है। यदि आप डेली करोगे तो आपका स्टेमिना नहीं आएगा, आपके घुटने दर्द करेंगे, आपकी सांस फूलेगी, आपसे नहीं दौड़ा जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस चीज़ से आप बचिए, महीने में दो से तीन बार आप करिए। ओके, अभी जो मैंने बताया, आप इसके लिए अच्छी डाइट लें। यदि आप आर्मी की, बीएसएफ, सीआरपीएफ या पुलिस की किसी की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें रनिंग है, तो आप अच्छा खाएं, अच्छी बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज करें और अच्छा सोचें। आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ऐसे नॉर्मल नहीं था, मैंने हमेशा बी पॉजिटिव सोचा है, कभी कोई चीज़ को नेगेटिव नहीं लिया और न उसको मैंने नेगेटिव सोचा है। तो आप भी जो मतलब आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, तो हमेशा अपना दिमाग में बी पॉजिटिव सोच रखना है। तो आपकी यदि बी पॉजिटिव सोच होगी तो आप भी उस मुकाम पे पहुंचोगे, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूं। और अभी नेक्स्ट, अभी कई फ़ोन कॉल आ रहे हैं SSC GD मेडिकल के लिए, सर वो वीडियो बनाइए, तो उस पर जल्दी अभी एक दो दिन में आपके सामने SSC GD मेडिकल
खेल के लिए आपके सामने एक वीडियो बनाएंगे। तो आप ऐसे अपना प्यार देते रहे। जय हिंद, जय भारत।